नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्बेल या रेबीज करके एक मदर टिंचर है, उस मदर टिंचर के बारे में हम बात करेंगे। ये जो मदर टिंचर है, इसका सोर्स क्या है, वो कैसे बनाया गया है, और ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है, इसके क्या क्या इंडिकेशंस है, किस कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिधर ये मदर टिंचर जो है ये यूज हो सकता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो इम्बेलिया रिबिस, ये जो मदर टिंचर है, स्पेशली आपको वर्म इन्फेस्टेशन में मदद करता है, इंक्लूडिंग जो टेप वर्म या फिर हुक वर्म है। तो वो जो वर्म होते हैं दो टाइप के, तो ऐसे अगर वर्म की अगर तकलीफ है, वर्म इन्फेस्टेशन है, तो इसमें ये मेडिसिन काम नहीं करता। लेकिन इसके अलावा जो भी वर्म्स है आपके पेट में और उसकी वजह से आपको होने वाली जो तकलीफें है, तो उसमें ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस ये जो इम्बेलिया मदर टिंचर है, ये और भी कुछ जैसे कंडीशंस है, और भी कुछ ऐसी डिसीजेस है जिधर ये मेडिसिन जो है, ये मदर टिंचर जो है, ये काम करता है, इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर डिटेल में मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो इम्बेलिया रिबिस मदर टिंचर है, इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ कंटेंट्स है, जैसे कि एम्बोलिक एसिड इसमें मिला हुआ है, इसके साथ वोलाटाइल जो ऑयल है वो मिला हुआ है, रेजिन्स मिले हुए हैं, और फैटी सब्सटेंस जो प्रॉपर्टीज है ये इस प्लांट में मिली हुई है। और ये जो इम्बेलिया रिबिस मदर टिंचर है, ये स्पेशली उस प्लांट से बनाया गया है, इम्बेलिया रिबिस नाम का एक प्लांट है, उससे ये मेडिसिन जो है, ये मदर टिंचर जो है बनाया गया है। तो ये प्लांट जो है, ये पौधा जो है, इससे इसको जो फ्रूट्स आते हैं, वो फ्रूट्स जब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो फल जो है वो जब सूख जाते हैं, तो उसके बाद ये मदर टिंचर जो है उस फल से बनाया जाता है। तो जो डॉक्टर घोष है, उन्होंने ये मेडिसिन जो है, ये मदर टिंचर जो है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये मदर टिंचर आपके होम्योपैथी फार्माकोपिया में भी मौजूद है। तो ये जो इम्बेलिया मदर टिंचर है, एक टॉनिक की तरह आप यूज कर सकते हैं, हेल्थ टॉनिक की तरह आप ये मेडिसिन जो है ये यूज कर सकते हैं। इसमें स्पेशली क्या होता है कि अगर आपको वर्म इन्फेस्टेशन है, इंटेस्टिनल जो वर्म्स है, तो उसको निकालने के लिए ये जो मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मदद कर सकती है। बच्चों में जो इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं, बच्चों में जो इंटेस्टिनल वर्म्स की तकलीफें हैं, और उसके साथ उनको टीथिंग यानी कि जब दांत निकलते हैं, उसके साथ उनको डेंटिशन का भी तकलीफ है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही यूजफुल है। ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो हमने देखा कि इंटेस्टिनल वर्म्स में ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है। इसके साथ जो डायबिटिक पेशेंट है, उनमें ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उस ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए ये जो मदर टिंचर है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ हेल्थ टॉनिक ये जो मदर टिंचर है ये हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आप देखते हैं कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं या फिर जो उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट होते हैं, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनको अर्टेरियो या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की तकलीफ होती है। तो उस तकलीफों को कम करने के लिए, उनके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है, ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ अगर आपको हेडेक जो है वो बहुत ही ज्यादा है और सीवियर माइग्रेन की तकलीफ है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनमें माइग्रेन की तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे अगर तकलीफें हैं माइग्रेन की, तो ये जो मदर टिंचर है उधर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एब्डोमिनल पेन होता है और रिनल कोलिक की तकलीफ है, यानी कि आपको किडनी स्टोन है और किडनी स्टोन की वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द है, जिसे हम रिनल कोलिक बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए, और इसके साथ आपको स्टमक में एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, यानी कि आपका जो पेट है वो फुला फुला आपको महसूस होता है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ वर्म इन्फेस्टेशन यानी कि आपके पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको डायरी या फिर लूज स्टूल, वॉटरी स्टूल हम जैसे बोलते हैं, और उसकी वजह से उल्टी जैसी तकलीफ होती है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, आपका डाइजेशन है, डाइजेशन जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो स्लो है, आपका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, उसके वजह से आपको एसिडिटी की तकलीफ है या फिर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, कब्ज की तकलीफ है, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका जो वीक डाइजेशन है तो उस डाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो डाइजेशन का जो कार्य प्रणाली है वो अच्छा करने के लिए मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसके साथ अगर आपको एनोरेक्सिया है यानी कि आपको भूख जो है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं लगती है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मदर टिंचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदर टिंचर स्पेशली चिल्ड्रंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वम इन्फेस्टेशन और डेंटिशन की जो तकलीफ है और इसके साथ डेंटिशन के साथ होने वाला जो डायरिया है तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो इम्बेलिया रेबस मेडिसिन है इसका डोज आपको कैसे लेना है। तो ये जो मेडिसिन है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, आपको 30 ml या फिर 100 ml में भी ये मेडिसिन जो है ये मिल जाता है। तो इसके 3 या 5 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। और आपकी तकलीफें जब कम हो जाती है तो इसका डोज आपको कम करना है। तो ये मेडिसिन अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों की जो वम इन्फेस्टेशन की तकलीफ है और आपको शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जो तकलीफें है वो कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जो इम्बेलिया रेबस मदर टिंचर है इसके बारे में हमने बात की, इसका डोज क्या होना चाहिए और इसकी इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, यानी कि ये मेडिसिन आप कौन से ऐसे कंडीशन से डिसीज जो है सिम्टम्स जो है उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। और आपको अगर डिटेल में मुझसे कंसल्टेशन करना है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने WhatsApp नंबर दिया है उस पर आप मुझे WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।